यर्मिया खुदा का बंदा, उसका जो सहीफा है उसका पहला बाप और उसकी 9 आयात से हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में मदद कर सकता है और आज हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको हम गौर से, मैं बहुत ही कोशिश करूँगा कि हम कम वक्त में से समझ सके। जैसे ही आप समझ जाएंगे हम बैंड अप कर देंगे। अगर आप मेरे मुंह को छुआ और खुदावत ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुम्हें कोहों पर और संतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और घुमाए और हलाक करें और गिराए और तमीज करें और लगाए। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत हवाला अभी पढ़ा गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आज का जो मज़मून है वो है दोबारा पैदा होने का अमल। जो मज़मून है वो दोबारा पैदा होने का अमल और बर्दाश्त का ईमान, कि जब हम दोबारा पैदा होते हैं मसीह यसू में, कलाम में, तो फिर बर्दाश्त का जो ईमान है वो भी हमें कायम रहना चाहिए कि जो वादा, जो हमने इकरार खुदा के साथ किया है उस पर हमने कायम रहना है। और इसलिए दोबारा पैदा होने का अमल और बर्दाश्त का ईमान आज का मज़मून है। और यहाँ पर हमें एक नबूवत मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ है, तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ, क्योंकि खुदा चाहता था कि जो यर्मिया खुदा का बंदा है उसको पाक करे। इसलिए पाक वो पहले भी था लेकिन पानी से, जिसे हम नहाना कह सकते हैं, वजू कह सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर भी जब खुदा अपने बंदा से हम कलाम होता है तो उसे पाक करता है और उसके मुंह को छूता है। और छूने के बाद हम देखते हैं कि लिखा है, और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। पहले खुदा ने अपने बंदा को छुआ और पाक किया रूहानी तौर पर, और इसी तरह उसके जो सर से लेकर पांव तक उसे पाक किया, पूरे जिस्म को पाक किया, जो उसकी रूह है उसको पाक किया। हमारा जिस्म जो है, अगर हम नहा लेते हैं, वजू कर लेते हैं, तो उसके साथ हम क्या हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी रूह है, जो हमारा दिल है, वो भी साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए। इसलिए खुदा ने यर्मिया के मुंह को छुआ ताकि जब उसे हम कलाम हो और जब उसके मुंह में कलाम डाले तो फिर वो बयान कर सके। इसलिए देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया है कि उखाड़े और ढाए और हलाक करने करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, हालेलुया, छह चीजें हैं। ये छह चीजें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। दाएं छह चीजों पर हमने गौर करना है कि ये जो छह चीजें हैं खुदा के बंदा ने उसे मुकर्रर करदा काम दिया गया है जो उसने करना है, इन छह चीजों पर उसने गौर करनी है जो खुदा ने उसे दी है, ये उसका मुकर्रर करदा काम है, ताकि छह चीजों पर वो गौर करे और अपने लोगों को क्या करे, छह चीजें आपने याद रखनी है ताकि इसलिए लिखी गई है, अलहदा लिखी गई है।
और छह चीजों का हमने आपके सामने इसलिए रखा है कि आप देखें और समझ सकें। ये खुदा ने उसे काम दिया है। काम किसको दिया है खुदा ने? यर्मिया को। खुदा का बंदा जो यर्मिया है उसको खुदा ने मुकरर किया है, पाक किया है और छुआ है। और हम ये यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर पहले यूहन्ना की अंजील में बयान किया है, तीन बात की 33 आयत में लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी कि नए सिरे से पैदा होना है दोबारा से। और इसी तरह इसका मतलब है कि जो लोग नए सिरे से पैदा होंगे वही खुदा की बादशाही को देखेंगे। पूरी दुनिया में लोग खुदा को मानते हैं कि खुदा जिंदा है, ला तब्दील खुदा है, उसने आसमान और ज़मीन को बनाया, लेकिन वो नए सिरे से जो पैदा होंगे वही लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए हमने गौर करनी है कि ऐसी कौन सी बात है जो पुराने अहदनामे में यर्मिया को मुकर्रर करदा ये काम दिया गया है। और मुकर्रर करदा काम क्या है, अगर हम ईमानदारों से पूछें कि दोबारा पैदा होने का जो अमल है वो क्या है, तो वो मुख्तलिफ जवाब देते हैं। और इसी तरह हम बाइबल के मुताबिक देखेंगे कि खुदा हमें बाइबल के मुताबिक क्या फरमाता है और क्या समझाना चाहता है। इसी तरह दोबारा पैदा होने के हकीकी मायने क्या हैं, दोबारा पैदा होने के हकीकी मायने क्या हैं कि हम दोबारा पैदा हो सकते हैं। हकीकी मायने खुदा के कलाम में जो बयान है वो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और यहाँ पर खुदा ने यर्मिया को क्या दिया? कलाम दिया। और कलाम में ये छह चीज़ें उसे मिली हैं, ये उसका मुकर करदा काम है। यहाँ पर वो पहला काम है उखाड़े। क्या करना उसने? उखाड़े। और दूसरा काम क्या है? ढाए। और तीसरा काम क्या है? हलाक करे। और चौथा काम क्या है? गिराए। और पांचवा? तामीर करे, किसी चीज को बनाना। और छठा जो काम है वो कौन सा है? लगाए। ये छह काम खुदा ने उसे दिए हैं और यर्मिया को कहा है कि ये तूने करने हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यर्मिया जो खुदा का बंदा है क्या अच्छा किसान है, खुदा ने उसे चुना है, तो क्या जो यर्मिया है वो अच्छा इंसान है, इसलिए खुदा ने उसे चुना है? वो अच्छी तरह जो फसल है उसको बीज सकता है? क्या खुदा ने इसलिए उसे चुना है कि वो अच्छा किसान है, या वो अच्छा इंजीनियर है जो इमारतें तमीर कर सकता है, या वो बिल्डर है जो बिल्डिंग को ढाता है? देखें आप मशीनों से बहुत सारी बिल्डिंगें ढा देते हैं और उसके बाद फिर नई तमीर करते हैं। क्या इसलिए खुदा ने उसे घरों को गिराने के लिए मुकर्रर किया है? और इसी तरह क्या वो हलाक करे और गिराए और तमीर करे और लगाए? लगाने का भी उसका काम उसके सौंपा गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यर्मिया है यहाँ पर खुदा ने उसे जिस्मानी जो काम है इसलिए नहीं चुना के ये सब कुछ वो जिस्मानी तौर पर करें या रूहानी तौर पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने यर्मिया को क्या दिया है? कलाम दिया है। उसके मुंह में क्या डाला है? हालेलुया। खुदा ने अपने बंदा को इसलिए चुना कि वो गिराए, ढाए, उखाड़े, ये छह काम उसे दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो इमारतें हैं घरों में उसे ढाना बिल्कुल, उसके बाद अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो कोई अगर इमारत मकान दीवार ढाई जाए
और फिर से दोबारा बनाई जाए तो क्या ये आसान काम है? चीज़ को उखाड़ देना है, ढा देना, फिर से तमीर करना है, तो क्या ये आसान काम है जिस्मानी तौर पर? नहीं, लेकिन खुदा यही चाहता है कि वो ये छह काम लाजमी करे। खुदा चाहता है, खुदा ने यहाँ पर बयान किया है कि वो चाहता है कि मैं दोबारा ये सब चीज़ें तैयार करूँ। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो तमसीली तौर पर जो खुदा ने उसे दिया है वो है बीज। खुदा ने यर्मिया को क्या दिया है? बीज दिया है, यानी कि खुदा ने उसे कलाम दिया है और खुदा ने उसे बीज दिया है। जो उसके मुंह में रखा गया है वो है खुदा का कलाम, यानी कि खुदा का बीज, रूहानी बीज। और जो रूहानी बीज होता है वो कहाँ पर बोया जाता है? बीज को कहाँ बोया जाता है? अच्छी ज़मीन में, यानी खेत में। और रूहानी बीज को रूहानी खेत में बीजा जाता है। जो रूहानी बीज है वो रूहानी खेत में बीजा जाता है। और आपको सिखाया था कि जो खेत है वो क्या है? खेत, खेत किसे कहा गया है? खुदा के लिहाज से रूहानी तौर पर खेत किसको कहा गया था? इंसान का दिल। खेत जो है वो इंसान का दिल है, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा की खेती है। और इंसान का जो दिल है वो खेत है, जहाँ पर खुदा अपना बीज बोना चाहता है। इसलिए खुदा ने यर्मिया को बीज दिया, यानी कि कलाम दिया, कि जो लोग हैं उनके दिलों में, रूहानी खेत में रूहानी बीज बोया जाए। हालेलुया। इसलिए हम ये बात सीख चुके हैं कि खुदा ने उसे कलाम दिया, यानी कि बीज दिया, ताकि वो लोगों के दिलों में बीज बोए। और इसलिए खुदा ने अपने बंदा को मुकर्रर किया। और तमसीली तौर पर जो बीज है वो खुदा का कलाम है। और हर कोई जानता है कि जो बीज है वो खुदा का कलाम है। और इसी तरह क्या वजह है कि खुदा ने उसे कहा है कि पहले उखाड़े, फिर ढाए, हलाक करे, गिराए, तमीर करे और लगाए? इसलिए हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर खेत में पहले से खुदा का बीज मौजूद है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि उसे उखाड़ा जाए, ढाया जाए, हलाक किया जाए और गिराया जाए, तमीर किया जाए और लगाया जाए। अगर खुदा का बीज खेत में मौजूद है तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी खुदा ने से अपने बंदा को ये कलाम दिया और बीज दिया कि तू ये काम करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नबूवत है जो यर्मिया को दी गई। खुदा ने यर्मिया को नबूवत दी और कलाम दिया। इसी तरह खुदा चाहता है कि वो इंसानों के दिल में बसे। खुदा चाहता है कि वो लोगों के, इंसानों के दिल में बसे, यानी कि रूहानी बीज बोने का मतलब ये था कि कलाम आपके जब दिलों में बोया जाता है तो खुदा वहाँ पर आकर बस जाता है। हालेलुया। जब उसका बीज आपके अंदर बोया जाता है रूहानी तौर पर, तो फिर खुदा वहाँ पर आकर रहना शुरू कर देता है। उसका जो पाक रूह है वो आपके अंदर रहना शुरू कर देता है। इसलिए खुदा चाहता है कि वो आपके दिलों में बसे, और इसलिए उसने ये कलाम यर्मिया को दिया और मुकर्रर करदा काम था। और इसलिए फिर भी हम देखते हैं कि जो खुदा का कलाम है वो हमें क्या फरमाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का जो कलाम है वो कौन सा है। खुदा का कलाम जो यर्मिया को दिया गया वो कौन सा है, और हमने खुदा के कलाम को देखना है। और वो हम हवाला पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका पहला बाप और उसकी 23 आयत है। वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा
क्या चाहता है, जो यर्मिया से कि वो छह काम उस बंद अपने बंदा को जो उसने मुकर्रर किए हैं वो रूहानी तौर पर क्या चाहता है कि इंसानों के दिल में कैसे बसा जाए, और वो कौन सा कलाम है जो वो अपने लोगों में बोना चाहता है और दिल में रहना चाहता है। पहला पत्रस पहला बाप और उसकी 23 आयत। पहला पत्रस पहला बाप उसकी 23 आयत। जी पहला पत्रस पहला बाप 23 आयत। क्योंकि तुम पानी सुखों से नहीं बल्कि गैर पानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और पाई है नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम पानी तुखम से नहीं बल्कि गैर पानी जो खुदा का जिंदा कलाम है उससे पैदा हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि जो गैर पानी और खानी, जो गैर पानी है वो कौन है, जो गैर पानी तुखम है उसके बारे में हम देखते हैं कि जो गैर पानी है वो भी बीज है और जो पानी है वो भी बीज है, क्योंकि दो हस्तियां हैं जो बीज देती हैं यानी कि बोती हैं। वो दो हस्तियां कौन सी हैं जानते आप? फानी तुखम और गैर फानी तुखम, ये दो बीज हैं, दोनों ही कलाम है लेकिन दो हस्तियां हैं जो ये बीज देती हैं। वो दो हस्तियां कौन सी हैं जानते हैं आप लोग? एक हस्ती है जो गैर फानी जो बीज है वो देती है, वो कौन है? जो गैर फानी बीज बोती है वो हस्ती है खुदा, और जो फानी बीज बोती है वो कौन सी हस्ती है? अबलीस। ये दो हस्तियां हैं जो यहाँ पर बीज बोती हैं। और इसी तरह बीज बोने के बारे में आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ है, और यहाँ पर हम गौर करेंगे कि सबसे ज़रूरी जो बात है वो कौन सी है। दोबारा पैदा होने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? दोबारा पैदा होने के लिए सबसे ज़रूरी बात है बीज। बीज का मतलब है कलाम जो खुदा ने यर्मिया को दिया और वहाँ पर नबूवत को जाहिर किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी तकमील होती है तो यहाँ पर दो किस्म के बीज जाहिर होते हैं। दो किस्म के जो बीज हैं वो फानी तुखम और गैर फानी तुखम, जिनके दो किस्म के बीज हैं, दोनों ही कलाम हैं। आपने पहचानना है, परख करनी है कि आपके पास कौन सा बीज है। आपने जो बीज लिया है, जो आपकी आपके रूहानी खेत में बोया गया है, वो कौन सा है, फानी है या गैर फानी? आप लोगों को खुदा का जो कलाम सुनाया जाता है वो आपने पहचानना है कि आपके रूहानी खेत में फानी तुखम या बीज है या कलाम है या गैर फानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, गौर करेंगे कि पहली आमद पर मैं आपको मिसाल दूंगा बाइबल में से ही कि जब खुदा ने मूसा के ज़रिए से इसराइल को कानून दिया और वो इस पर अमल करते रहे, जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के ज़रिए जो कानून दिया था
بنی اسرائیل قوم کو، تو آپ کے خیال میں کیا وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے یا نہیں؟ وہ لوگ اس قانون پر عمل کرتے رہے یا نہیں بتا سکتے ہیں؟ وہ لوگ اسرائیلی قوم جو خدا نے قانون دیا موسیٰ کے ذریعے، وہ لوگ سن کر اس پر عمل کرتے رہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نہیں کرتے رہے. کچھ لوگ کرتے رہے جنہوں نے اپنے حساب سے کلام کو لیا اور اس کو پورا کرتے رہے. کیسے پورا کرتے رہے؟ کہ وہ لوگ بائبل کو پڑھتے اور سطحی جو معنی ہوتے ہیں اسے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے. جو سطحی معنی ہیں وہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہے وہ جانتے ہیں کہ سطحی معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو اندرونی معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سطحی جو لفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، جب وہ عرصہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ زندگی نہیں دیتے، بلکہ جو غیر پانی تخم ہے، جو بیج ہے، خدا کا کلام ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. آپ لوگوں نے غور اس بات پر کرنی ہے کہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کو جو کلام دیا گیا تھا وہ کون سا تھا. وہ سطحی طور پر وہاں پر نبوت کی گئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائبل میں، بائبل کے سطحی الفاظ ہیں، تمثیلی زبان ہے، اس میں خدا نے تمثیلی زبان میں بات کی ہے، کوڈ میں بات کی ہے، لاک میں، تالے میں بات کی ہے، تاکہ جو شریر ابلیس ہے اس سے یہ راز چھپایا جائے، تاکہ سطحی طور پر وہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیلی اور ہم دیکھتے ہیں یہودی لوگ جو تھے وہ بائبل کو سطحی طور پر پڑھتے اور اس پر عمل کرتے. اور کیا کرتے کہ لکھا ہوا ہے کہ تم میرے حضور کیا کرنا؟ قربانی گزارنا. جب وہ قربانی گزرانتے تھے تو برے لے کر آتے تھے، خطا کا برا. اسی طرح جتنی بھی قربانیاں ہوتی تھیں وہ بہت دیتے. یہ قانون خدا نے موسیٰ کے ذریعے ان کو دیا، اور جب وہ اس قانون پر عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے کہ ان کو نبوتیں بھی دی گئیں، کہ یہ جسمانی یعنی کہ سطحی طور پر آپ کو کہا گیا ہے، اس کا جو اندرونی معنی ہے جب وہ وقت پورا ہوگا تو وہ پھر آپ لوگ سمجھ جائیں گے. اس لیے یسوع مسیح نے بار بار کہا کہ میں اپنا منہ تمثیلوں میں کھولوں گا، تم نے پہچان لینا ہے کہ یہی یسوع ہے، یہی برا ہے. اور زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں میموں میں اپنا منہ کھولوں گا، یعنی کہ تمثیلی زبان میں. تو جب یہ باتیں، نبوتیں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں دی گئیں سطحی طور پر، لیکن ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا اور انہوں نے اندرونی معنی کو نہیں جانا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا کلام ہے، پانی بیج ہے یا غیر پانی، جو سطحی طور پر خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. سطح کا مطلب ہے کہ ایک وقت، جہاں پر لکھا جاتا ہے کہ 12 جنوبی میں ایک خدا کے پاسٹر نے آنا ہے اور وہاں پر پروگرام ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، خدا کا خادم آ جاتا ہے، پروگرام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لائن جو ہے، وہ جو وقت ہے پورا ہو گیا، وہ لائن جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اب آگے وہ اس پر دوبارہ ان لوگوں نے غور نہیں کرنی کہ ابھی بھی آ رہا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے اور ابھی بھی آئے گا. اسی طرح جو بائبل میں سطحی طور پر ہے وہ سطحی، یعنی کہ اوپر سے پڑھتے تھے کہ لکھا ہوا ہے کہ بروں کو قربان کرنا، اور اسی طرح وہ لوگ بروں کو قربان کرتے رہے، لیکن وہ تمثیلی زبان کو نہ سمجھے. اور اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فانی بیج ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ فانی بیج ہے. یہ یسوع مسیح کی جو نبوت ہے پرانے عہد نامہ میں، اسے نبوت کہا گیا ہے، اور جب یسوع مسیح پہلی آمد پر آتے ہیں تو وہاں پر یہ تکمیل ہو جاتی ہے کہ جو برا تھا، یسوع مسیح نے کہا وہ میں ہوں،
जो बरों के बरे के बारे में कहा गया वो मैं हूँ, अब मैं आ चुका हूँ, अब कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग, उन्होंने कहा नहीं, ये तलीम ही फ़र्क है। हमने पूरी शरीयत को पढ़ा हुआ है, हमारे पास शरीयत और उसको जो बिल्कुल हिफ्ज़ किया हुआ है। लेकिन ये अभी नौजवान है, अभी इसने, इसकी इतनी उम्र भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, और ये शरीयत के मुताबिक जो तलीम है वो फ़र्क देता है। लेकिन यसु मसीह ने बार बार उन्हें याद दिलाया कि ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, तमसीली तौर पर लिखा हुआ है, बरा मैं हूँ, मेरे बारे में लिखा हुआ है, अब तुम्हें बार बार बरे ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, कुर्बानियाँ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो सतही लफाज थे वो आज पूरे हो गए हैं यसु मसीह के आने पर, और अब यसु मसीह वहाँ पर आकर लोगों को तालीम दे रहे हैं। और इसलिए उन लोगों के पास जो कलाम था, जो बीज था, वो फानी था, यानी कि सतही तौर पर था, वो वहाँ पर पूरा हो गया और यसु मसीह वहाँ पर आ गए। अब यसु मसीह हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी तालीम दे रहा है, यसु मसीह ने कौन सी तालीम दी। उससे पहले हम देखते हैं कि उन लोगों के बारे में जो लोग खुदा के सतही अल्फाज को पढ़ते रहे, हिफ्ज करते रहे, उनमें जो फानी तुखम था वो बहुत बड़ा दरख्त बन गया। अब उसे जो उखाड़ना है वो बहुत मुश्किल हो गया। जब उसकी जड़ें बड़ी बड़ी हो गई तो अब उसे उखाड़ना, जो पहला पॉइंट है वो उखाड़ना बहुत मुश्किल है। यसु मसीह ने बहुत सारी तमसीलें बहुत दफा होकर कहा कि तुम सुन चुके हो कि मेरे बारे में तमसीली तौर पर नबूवत की गई है, लेकिन वो लोग ना समझे। अगर हम लूका की अंजील में देखें, लूका की अंजील उसका 24 बाब उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, ऐ नदानो, जो लोग उस वक़्त यसु मसीह से सवाल जवाब करते थे और शरीयत को हिफ्ज कर चुके थे, लेकिन यसु मसीह से जब उनकी बातचीत होती है तो फिर यसु मसीह उन्हें कहता है, ऐ नदानो, वो भी शरीयत को जानते थे और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादों, जो नबियों ने कलाम दिया था उसको सुस्ती से उन्होंने उस पर अमल किया। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दे। अब यसु मसीह वो सब बातें उनको समझा रहा है जो नविश्तों में, नबूवतों में और सतही तौर पर तमसीली जबान में यसु मसीह ने, जो उन लोगों ने सुन चुकी, सब बता रहा है कि ये मेरे बारे में है, ये मेरे बारे में है, ये अगलों से तुम सुन चुके हो। लेकिन फिर भी उनका गमो गुस्सा, उस पर फतवे लगाना वो कम ना हुआ, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे पकड़वाया, मारा, कूटा और सलीब पर दे दिया। इसलिए क्योंकि उनके पास फानी तुखम था, फानी बीज था, उनके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं थी। जो सतही अल्फाज होते हैं, जब वो वक़्त पूरा हो जाता है तो फिर वो वक़्त पूरा होने के बाद वो हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकते। इसलिए वो जो बीज है वो सतही है, वो कलाम सतही है और इसलिए फ़ानी है। लेकिन गैर फ़ानी हम देखते हैं कि कौन है। गैर फ़ानी जो बीज है, कलाम है, वो यसु मसीह के पास है। हालेलुया। और कुछ सीख चुके हैं कि हम फ़ानी तुखम से दोबारा पैदा हुए हैं, खुदा के ज़िंदा कलाम से पैदा हुए हैं, या गैर फ़ानी, या हम अंदरूनी मैनी को जानते हैं, खुदा के कलाम को, तमसीलों को जानते हैं, तो फिर हम गैर फ़ानी हैं, फिर हम खुदा के ज़िंदा कलाम से पैदा हुए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का जो ज़िंदा कलाम है वो हमें फरमाता है कि वो लोग जो फ़ानी तुखम से पैदा हुए हैं उनके बारे में यसु मसीह ने कहा कि ऐ नदानो, उनको नदान कहा कि तुम नहीं जानते कि अंदरूनी मैनी क्या है, रूहानियत क्या है, खुदा का जो कलाम है
गैर फानी जिससे मैं आप लोगों को दोबारा पैदा करने के लिए आया हूँ वो क्या है, और इसलिए वो लोग उसको उस पर फतवे लगाते रहे और उसको मलामत करते। लेकिन यहाँ पर हम देखते जो छह चीज़ें थी वो वहाँ पर जो नबूवत की गई थी और जो कलाम था जो यीशु मसीह के पास गैर फानी जिंदा कलाम था, क्या वो यर्मिया के पास था? जो गैर फानी बीज है, जो गैर फानी खुदा का जिंदा कलाम है, क्या वो बीज यर्मिया के पास था? नहीं था। हालेलुया। क्योंकि नबूवत वहाँ पर की गई और जो यर्मिया था उसको भी इसकी नबूवत के बारे में नहीं पता था। अगर हम सब नबियों के बारे में देखें जिनमें शॉर्ट में नाम लूँगा, दानियल, हिजकिएल और इसी तरह यसाया और यर्मिया, और जिनको रोया दी गई, जिनको नबूवत दी गई, उनमें हम देखते हैं कि उनको नबूवत करने का हुक्म दिया, जिस तरह इसको मुकर्रर करदा काम मिला कि ये तुमने नबूवत करनी है। नबूवत उसने कर दी, लोगों ने पढ़ा, अब उस पर अमल नहीं किया क्योंकि सतही तौर पर पढ़ लिया, अब अमल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग थे इनको नबूवत की जो तकमील थी उसके बारे में पता नहीं था कि ये तकमील किसने आकर करनी है। वो सवाल करते खुदावंद ये कब होगा, कैसे होगा, किस वक़्त होगा, और खुदा उनको कहता कि तुम को जो काम दिया गया है तुम लोगों ने वो करना है और फिर अपनी राह ले लेनी है। यहाँ तक कि मुकाशवा में जो यूहन्ना आरफ है उसको भी ये कहा गया, जो भेद थे उनके बारे में उसने सवाल किया कि ये कब होंगी, तो उसने कहा कि तुम अपनी राह लो। जिसकी तकमील है वो खुदा जानता है कि उसने जब पूरा करना है तो फिर जो नबूवत है, जो रोया है, जब उसकी तकमील होती है तो फिर वो पूरी होती है। तो इसीलिए जो यर्मिया था उसके पास नबूवत की तकमील का कलाम नहीं था, गैर फानी बीज तुखम उसके पास खुदा का जिंदा कलाम नहीं था, इसलिए वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता था। यहाँ पर वही जो छह काम थे वो किसने किए? यीशु मसीह ने किए। कैसे किए? जो लोग शरीयत को जानते थे, हिफ्ज किया हुआ था, उनके अंदर ये छह चीज़ें मौजूद थीं जिनको यीशु मसीह ने करना था। वो छह चीज़ें आपके सामने हैं कि क्या करना है। उखाड़े ढाए, यीशु मसीह ने जो पुरानी उनके अंदर सतई जो तलीम थी उनको उखाड़ना था, जो बड़े बड़े दरख्त बन चुके थे, और इसी तरह ढाना था जो बाल के बारे में उनको उन्होंने बुत बनाए हुए थे दिलों में कि हमने पूजा करनी है, और इसी तरह जो उनके दिलों में ऐसी बुरे ख्यालात थे, जो ऐसे ख्यालात थे जिनको खुदा ने उनके जेनों से दूर करना था और उनको हलाक करना था, और इसी तरह गिराना था उन इमारतों को जो उन्होंने दूसरे मबूदों के लिए बनाई हुई थी, और इसी तरह उन्होंने जो ख्याली खुदा के सतही अल्फाज को पढ़कर ख्याली तौर पर उन्होंने जो लोगों को बताया हुआ था यीशु मसीह ने, उसको भी आकर गिराना था, और इसी तरह आगे हम देखते हैं कि तमीर करना था, तमीर करना और लगाना, ये दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, और ये दो चीज़ें हैं वो यर्मिया नहीं कर सकता था क्योंकि उसको नबूवत की तकमील का पता ही नहीं था। उसको सिर्फ नबूवत करने के लिए कहा गया था कि तुम्हें ये सब काम मुकर्रर किया गया, लेकिन तुमने इसे तकमील नहीं कर सकते। तकमील सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। जब चार चीज़ें यीशु मसीह करेगा तो उसके बाद यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि तमीर करे और लगाए, यानी कि जब सब चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, उखाड़ा जाता है, तो फिर दोबारा से जब तमीर किया जाता है, जब दोबारा खुदा की बादशाही तो हम देखते हैं एक इंसान को दोबारा पैदा किया जाता है तो खुदा की बादशाही के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह एक बच्चा जो पैदा होता है जब उसको कलाम दिया जाता है तो वो नए सिरे से, यानी कि वो अभी जो उसकी अकल कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, वो नई होती है। तो फिर जो कुछ भी खुदा ने ला तब्दील कलाम यानी कि गैर फानी बीज उनके अंदर बोया तो वो तमीर हो गए, इसलिए और नए दरख्त लगाए।
यहाँ पर यीशु मसीह ने नए दरख्त भी लगाए और नए घर भी तमीर किए। तो कोई बता सकता है कि गैर फानी जो खुदा यीशु मसीह जो नए घर बनाए वो कौन से थे, कितने थे, और जो दरख्त लगाए वो कौन से थे? क्योंकि यीशु मसीह के ही पास गैर फानी बीज था, उसके पास नबूवत की तकमील का कलाम था। गैर फानी यानी कि यीशु मसीह के पास ला तब्दील कलाम है। और इसी तरह यीशु मसीह ने कितने लोगों को तामीर किया, कितने दरख्त नए लगाए? हालेलुया, जो 12 शागिर्द थे उनको तामीर किया, वो नए घर बनाए। जब नए घर बनाए उनको 3.5 साल अपने साथ रखा, जो उनके अंदर जितना कुछ भी था सारा कुछ उखाड़ के बाहर फेंक दिया। हालांकि वो भी शरीयत को जानते थे, वहीं रहते थे, वहीं उन्होंने तलीम हासिल की थी, वहीं पैदा हुए थे। 3.5 साल तक कुछ यीशु मसीह ने उनके अंदर जितनी भी तलीम थी सारी उसने उखाड़ के बाहर फेंक दी और गैर फानी वहाँ पर बीज बो दिया। और इसलिए जब सारी सफाई अंदर से होगी, जड़ी बूटियाँ निकाल दी गई और जो 4 काम थे जो यर्मिया को मुकर्रर करता थे वो यीशु मसीह ने कर दिए, यहाँ पर नबूवत को पूरा कर दिया। तो अगला काम यीशु मसीह का था कि फिर नए घर बनाए, नए दरख्त लगाए। तो वो 12 शागिर्द हैं जो नए मकान, नए घर यीशु मसीह ने बनाए। और जब वो आगे बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं कि जो लगाने का वक्त आता है तो नए दरख्त 120 की जमात, जब हम देखते हैं कि वहाँ पर दुआ कर रही होती है कमरे में, तो वहाँ पर रूल कुदस उतरता है। हालेलुया, जब रूल कुदस वहाँ पर उतरता है तो उन लोगों को छूता है, जिस तरह यर्मिया को छुआ था, पाक किया था, इसी तरह उन लोगों को भी पाक किया। और जब पाक किया तो उन पर गैर जबानें उतरी, और गैर जबानें उतरने का यही मतलब था कि उन सबको यही समझ लगे एक ही जबान, एक ही अहले जबान हो। जब एक अहले जबान सबको समझ आएगी तो फिर सबका एक ही जवाब होगा। अगर लहदा लहदा समझ आएगी तो सबके लहदा लहदा जवाब होंगे। इसलिए रूल कुदस उतरने का मतलब ही ये था कि उन सबको एक ही जबान में समझ आए कि जो खुदा का बंदा, खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, गैर फानी जो जिंदा खुदा का कलाम है वो सुना रहा है, तो उन सबको एक ही समझ आ रही है। और 120 की जो जमात है वहाँ पर उन लोगों को नए सिरे से दोबारा पैदा किया और नए दरख्त वहाँ पर 120 की तादाद में लगाए गए। और उन दरख्तों से आगे फिर काम चलता चलता, शागिर्द जो थे उन्होंने कुछ अरसा यानी कि उनको जो वक़्त मिला था उन लोगों ने तालीम दी, लेकिन वो सब शहीद हो गए। उनमें से एक ही शागिर्द बचा और वो कौन सा था, कौन सा शागिर्द था? यूहन्ना आरफ जिसे कहा जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो 120 की जमात जिन पर रूह कुदस उतरा था उन्होंने रूह से भर कर रूहे ज़मीन पर फैल गए और जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने आगे दरख्त लगाना शुरू कर दिए। और इसी तरह उनको जितने लोगों को उन्होंने कलाम सुनाया वो गैर फानी बीज से दोबारा पैदा हुए। इसलिए दोबारा पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर से ये जो 4 चीज़ें हैं वो जब निकाली जाएंगी तो फिर आगे हम नए सिरे से पैदा होंगे और नए दरख्त आगे लगेंगे, नए मकान आगे बनेंगे गैर फानी तुखम से, गैर फानी जो जिंदा खुदा का ला तब्दील कलाम है। गैर फानी का मतलब है जो खुदा का जिंदा ला तब्दील कलाम, इसका ये मतलब है। और यीशु मसीह ने जब इन लोगों को जमा किया तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोग जमा हो गए, कौन सी ऐसी चीज़ थी? यीशु मसीह के पास के लोग सब जमा हो गए, भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी, कौन सी चीज़ थी उसके पास? खुदा का कलाम। और जो जिस्मानी तौर पर फ़ायदा चाहते थे उनके लिए उस यीशु मसीह के पास क्या था? शिफा भी थी और उसके पास मौजज़े थे जो उसको मिले ताकि क्या किया जाए, लोगों को जमा किया जाए। क्योंकि शरीयत उस वक्त यहूदियों के पास, फकीह फरीसियों के पास बहुत थी, लेकिन यीशु मसीह के बारे में भी ये कहा गया था कि वो अंधों को आँखें देगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। ये भी नबूवत है, हमें पुराने आदरमा मिलती है, लेकिन ये नबूवत
जब पूरी होती है यीशु मसीह में, तो फिर वो इसे एक हथियार की, जो हथियार होता है उसकी मानद इस्तेमाल करता है। जब इस्तेमाल करता है तो जगह जगह जाकर पता चल जाता है कि फलां जगह पर जो एक खुदा का बंदा है, कुछ लोग उसे नबी जानते थे, जो रूहानियत में जिनकी आंखें खुली थी वो खुदा का बेटा जानते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ये हथियार मिला था मौजाद करने का, और मौजाद करने का मतलब और हकीकत यही थी कि लोगों को वहाँ पर जमा किया जाए ताकि वो खुदा के गैरफानी कलाम को, जिंदा ला तब्दील कलाम को सुन सके और नए सिरे से पैदा हों। नए सिरे से यीशु मसीह उन लोगों को भी पैदा करना चाहता था जो उस वक़्त यीशु मसीह से सवालों जवाब करते थे, काहिन थे और क्या थे, सरदार थे। उनको भी वो चाहता था कि ये नए सिरे से पैदा हों, क्योंकि यह खुदा ने ये चाहा था, यीशु मसीह को ये काम दिया था, ये नबूवत यीशु मसीह ने पूरी की थी। इसलिए चाहता था खुदा के उन लोगों के अंदर से ये तलीम जो पहले है, जो फानी है, वो जाती रहे, बल्कि ये जो यीशु मसीह गैर फानी बीज बो रहा है इससे वो नए सिरे से पैदा हों। लेकिन उन लोगों ने उस तलीम पर अमल ना किया और उन लोगों ने दूसरे लोगों पर भी खुदा की बादशाही को बंद कर दिया। फकी फरीसियों ने लोगों के जहनों में यह डाला कि इसकी तलीम जो है वो क्या है, बिदत है। लोगों को यीशु मसीह की तलीम से दूर कर दिया और लोगों पर बहुत जुल्म किया, और उनको जुल्म करने का ये मतलब नहीं है मारा है कूटा है, नहीं, जो रूहानियत में जुल्म है वो खुदा के जिंदा कलाम को हासिल ना करने देना और खुद भी ना जाना, ये जुल्म है रूहानियत में, ठीक है। और उन्होंने जुल्म किया, खुदा की बादशाही में लोगों को दाखिल ना होने दिया और खुद भी ना हुए, उनको भी मना कर दिया। लेकिन जितने लोग बादशाही में दाखिल हुए उनको खुदा यीशु मसीह ने दाखिल किया और नए सिरे से दोबारा पैदा किया। जब दोबारा पैदा इंसान होता है तो फिर वो एक बच्चे की तरह, बिल्कुल जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसकी तरह, हर जो रूह है वो भी नई, जो कलाम है वो भी नया, तलीम भी नई, खुदा का जो कलाम है वो भी रूहानियत में नया है। और जो फकी फरीसी थे वो उस वक़्त को, उस टाइम को समझ नहीं सके कि खुदावन के वक़्त पूरे होने का टाइम आ गया है, जो नबूवत है वो पूरी हो रही है और हमें चाहिए कि हम नए सिरे से पैदा हों, इस तलीम को कबूल कर लें। लेकिन उन लोगों ने उस तलीम को कबूल नहीं किया। आज भी वो बड़े ज़िबा कर रहे हैं और आज भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम खुदा के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम को कबूल करें और गैर फानी बीज से दोबारा पैदा हों। आपके पास गैर फानी बीज होना ज़रूरी है, वरना यीशु मसीह ने कहना है कि ऐ नदानो, यीशु मसीह ने ये अल्फाज बयान करने के, ऐ नदानो, जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो फिर आपके अंदर जो बीज है वो बढ़ेगा। और जो बताइए कि हम जो नबूवतें हैं उसकी तकमील को भी देखें और खुदा के जो कलाम है उसके मुताबिक चलें, और आसमान की बादशाही का जो बीज है, जो कलाम है, वो गैर फानी बीज है। इसके बारे में बहुत सारी तमसीलें दी गई हैं कि एक आदमी ने बीज बोया, वो भी आसमान की बादशाही के बारे में, और यीशु मसीह ने जितनी भी तमसीलें दी हैं वो आसमान की बादशाही के बारे में दी हैं। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो फिर आप गैर फानी बीज से पैदा हो चुके हैं, आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं जब आपने बपतिस्मा ले लिया है और खुदा के जिंदा ला तब्दील कलाम को ले लिया है, तो फिर आप दोबारा पैदा हो चुके हैं। अगर खुदा के कलाम को नहीं लिया, बपतिस्मा ले भी लिया है और पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा, वो पुरानी जो तलीम अंदर है वो नहीं निकाली, तो फिर आप फानी तुखम से फानी कलाम में ज़िंदा है। फ़ानी कलाम हमेशा की ज़िंदगी नहीं देता, आपके अंदर गैर फ़ानी कलाम होना ज़रूरी है, और गैर फ़ानी यीशु मसीह का कलाम है जो नबूतों की तकमील है और हमेशा की ज़िंदगी देता है। हालेलुया। इसलिए हमने आज समझा है
कि जो अच्छी ज़मीन है वही है जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रखते हैं और सब्र से बर्दाश्त करते हैं। जो आखिरी बात है वो हमने ये सीखी थी कि दोबारा पैदा होना और बर्दाश्त का अमल, और जो इस कलाम को संभाले रखता है वो सब्र से बर्दाश्त करता है, और जब बर्दाश्त करते हैं तो फिर आप फल लेकर आते हैं। यही जो फल है वो आपका खुदा के हजूर जब पहुंचता है तो फिर खुदा खुश होता है। यही जो फल है जो आप सुनते हैं फिर आगे लोगों को शेयर करते हैं तो फिर वो लोग भी दोबारा पैदा होने के लिए तैयार होते हैं कि हमने भी खुदा के ज़िंदा और लातब्दील और गैर फानी बीज से पैदा होना है, हमने भी दोबारा पैदा होना है। इसलिए खुद भी खुदा के कलाम को लें, गैर फानी कलाम को लें, और दूसरों को भी दोबारा पैदा होने के लिए तैयार करें और दोबारा पैदा होने के लिए मौका दें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।